हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसकी हमारी बुक है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसकी हमारी बच्चों 6 यूनिट चल रही थी, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स। ठीक है, इसमें मैंने आपको पॉलीमराइजेशन पढ़ा रही थी मैं आपको, उसमें मैंने एडिशन पॉलीमर्स से जो पॉलीमराइजेशन होता है वो कंप्लीट करा दिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, पॉलीथीन का पढ़ लिया था, उसका पॉलीमराइजेशन। पॉलीथीन हमारी दो तरीके से बनती है, एलडीपी एंड एचडीपी। ठीक है, एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीथीन, एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। किसके अकॉर्डिंग, इथाइलीन का अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं डिफरेंट कंडीशंस पे, तो हमें दो तरीके की पॉलीथीन मिलती है, एलडीपी एंड एचडीपी। ठीक है, उसमें एलडीपी क्या थी, जब हमने लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर इथाइलीन का पॉलीमराइजेशन किया था तब हमें एलडीपी पॉलीथीन मिली थी, और जब हमने लो टेम्परेचर लो प्रेशर पर किया था और जिगलर नाटा कैटलिस्ट लिया था तब हमारी जो पॉलीथीन बनी थी वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनी थी। उसके बाद हमने पीवीसी पढ़ी थी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसका पॉलीमराइजेशन पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पैन पढ़ा था, यानी कि पॉलीएक्राइल नाइट्राइल या फिर ओल्डोन, इनके यूजेस भी मैंने आपको साथ साथ लिखा दिए थे। फिर हमने क्या पढ़ी थी, रबड़ पढ़ी थी, सिंथेटिक नेचुरल, नेचुरल रबड़ भी पढ़ी थी, नेचुरल रबड़ यानी कि आइसोप्रीन। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी नेचुरल रबड़, मैंने आपको बताया था नेचुरल रबड़ जो होती है वो हमें रबड़ ट्री से मिलती है, जिसका नाम था हेविया ब्रासिलेंसिस, उस ट्री से हमें नेचुरल रबड़ मिलती है। बट वो कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, इसलिए साइंटिस्ट गोडियार्ड आए, उन्होंने क्या किया, लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में हम उसका यूज नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, सल्फर एटम की S8 फॉर्म जो थी उसके साथ उन्होंने क्या कराया, रबड़ का वल्कनाइजेशन करा दिया था उसके साथ। उसने क्या किया, जब हमने रबड़ की जो आइसोप्रीन थी उसकी स्ट्रक्चर में सल्फर को ऐड किया तो उसने क्या करा दिया, क्रॉस लिंकिंग करा दी उसकी स्ट्रक्चर में। पहले उसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, लीनियर, बट जब हमने उसमें सल्फर मिलाया तो उसने क्या करा दिया, क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग में हम जानते हैं कि क्रॉस लिंकिंग होने से जो कंपाउंड होता है, पॉलीमर होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, हार्डो की अट्रैक्शन फोर्स भी हार्ड होता है। तो उसने ये कराया, जिससे क्या हो गई, हमारी वो स्ट्रक्चर जो थी वो हार्ड हो गई थी, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गई थी, जिसका यूज हमने इरेजिंग में कर लिया था, इरेजिंग मटेरियल में। फिर हम उसका यूज करते हैं, डायरेक्टली उसका यूज नहीं करते। उसके बाद सिंथेटिक रबड़ थी, सिंथेटिक रबड़ हमारी तीन पड़ी थी हमने, एक तो क्लोरोप्रीन, सेकंड पढ़ी थी हमने ब्यूना एस, एंड थर्ड पढ़ी थी हमने ब्यूना एन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मैंने आपको बताया था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब हम किसी पॉलीमर को बनाते हैं तब उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं, तब उसका जो रहता है रेशियो या फिर मॉलिक्यूलर मास होता है उसमें कमी आ जाती है, तो ये होता है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के दौरान कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे रिमूव हो जाते हैं, जैसे NH3S2O। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। इसमें आते हैं हमारे दो फंक्शनल ग्रुप मेन होते हैं, इसमें पॉलीअमाइड एंड पॉलीएस्टर। पॉलीअमाइड में हम पढ़ेंगे नाइलोन 6 एंड नाइलोन 6। पॉलीएस्टर में भी हम दो पढ़ने वाले हैं, एक तो PHBB, एक पढ़ेंगे उसमें हम टेरिलीन या फिर जिसे डेकोन बोलते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके देखते हैं पॉलीअमाइड। अमाइड का मीन्स क्या होता है बच्चों, अमाइड ग्रुप अगर है, अमाइड ग्रुप होता है हमारा नॉर्मली CONH ग्रुप को हम अमाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो देखो द पॉलीमर्स कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के वो पढ़ रहे हैं अंडर हम, तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा पॉलीअमाइड। द पॉलीमर्स हैविंग CONH ग्रुप आर पॉलीअमाइड्स, वे पॉलीमर्स जिसमें CONH ग्रुप होता है उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीअमाइड्स। ठीक है, इसमें आता है हमारा एग्जांपल नाइलोन 6। इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है किसका, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन का एंड एडिपिक एसिड। इसमें नाइलोन 6 में हमारी जो होंगी यूनिट कौन सी होगी, एक तो हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन मोनोमर यूनिट और दूसरा एडिपिक एसिड। बोथ ऑफ दिस हैव 6 कार्बन चेन, इन दोनों में क्या होती है, 6 कार्बन की चेन होती है। इट इज यूज इन मेकिंग अंडर गार्मेंट, नाइलोन 6 का यूज हम जो अंडर गार्मेंट्स होते हैं उनमें यूज करते हैं कपड़े में, यानी कि नाइलोन 6 का हम यूज करते हैं। ठीक, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर, ये है हमारा क्या, एडिपिक एसिड। इसमें एसिड ग्रुप दिख रहा है आपको, HOOC यानी कि COOH, CH2 का होल 4, COOH, ये होल 4 यानी कि इसके 4 एटम है, 4 CH2 है, तो मैंने एक साथ दिखा दिया आपको, तो देखो 4 ये हुए, 1, 5 और 1, 6, 6 कार्बन की चेन हुई किसकी, एडिपिक एसिड की। ये क्या है हमारा, हेक्सा मिथाइलिन डायमिन, हेक्सा मिथाइलिन होगी ये, देखो 6 एटम है तो हेक्सा मिथाइलिन, मिथाइल ग्रुप है, NH2 कितने हैं, 2, तो हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। इन दोनों का जो हमने कंडेंसेशन कराया, देखो कंडेंसेशन कैसे होगा, ये एडिपिक एसिड है इसका OH, एसिड हमारा क्या दे सकता है, HOH, एसिड में हमारा क्या होता है, OH दे दिया इसने, एसिड ने हमारे, और यहां से क्या निकला, H, NH2 ने दे दिया हमारा इसमें H, तो एक OH और एक H क्या निकला यहां से, H2 हमारा बाहर हो गया, उसके बाद हमारा ये क्या हो गया, आपस में जुड़ गया। देखो कैसे हुआ, HOOC CH2 का होल 4,
यहाँ से हमारा क्या निकल गया ओ एच और इधर से एच, तो क्या बचा सी ओ, यहाँ पर क्या बचा एन एच, ये क्या ग्रुप हुआ हमारा अमाइड ग्रुप। तो देखो सी एच टू का होल फोर सी ओ एन एच, फिर क्या है सी एच टू का होल सिक्स एन एच टू, ये बन गया। अब ये जो हमारी यूनिट आई है ये क्या बना हमारा अमाइड बना। जब हम इसका पोलिमराइजेशन करेंगे, हम जानते हैं पोलिमराइजेशन हम एन मॉलिक्यूल लेके करेंगे क्योंकि पोलिमर्स हमारे बहुत सारे जब जुड़ते हैं तभी तो पोलिमराइजेशन होता है। तो क्या होगा हम इस ये जो हमारा आया है अब हम क्या करेंगे इसकी एन यूनिट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे पोली अमाइड मिल जाएंगे। इस ग्रुप की अगर हम एन यूनिट लेके करते हैं जब इसका पोलिमराइजेशन है तो हमने नॉर्मली क्या बना लिया पोली अमाइड बना लिया, ठीक बनेगा तो यही। बट जब हम इसके एन मॉलिक्यूल लेकर पोलिमराइजेशन करा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें पोलीअमाइड ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है पोलीअमाइड बन जाएगा। तो देखो एन ग्रुप एन मॉलिक्यूल ले लिया हमने इसके एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन के, देखो एन एच ओ ओ सी सी एच टू का होल फोर क्योंकि पोलिमराइजेशन हम एन मॉलिक्यूल लेकर ही तो दिखाते हैं सी ओ ओ एच प्लस एन एच टू सी एच टू का होल सिक्स एन एच टू, ठीक ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसे बनेगा हमारा सी ओ एन एच ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे पोलीअमाइड ग्रुप। इस टाइप से अगर हम बहुत सारे पोलीमर्स का पोलीमराइजेशन कराएंगे उनका पोलीमर्स बहुत सारे हमारे पोलीमराइजेशन कराएंगे तो पोलीअमाइड बन जाएगा, ठीक है एक पोलीमर के इससे वही तो बनी हमारी अमाइड यूनिट, जो हम बहुत सारे का कराएंगे तो पोलीअमाइड बन जाएंगे। तो देखो एन मॉलिक्यूल लिए यहाँ से क्या हुआ अब हम क्या करेंगे जहां हमें वो दिख रहा है एसिड ग्रुप वहां से ओ एच हटा देंगे और जहां हमें एन एच टू ग्रुप दिख रहा है वहां से क्या हटा देंगे एच ग्रुप हटा के हम क्या दिखा देंगे चेन में दिखा देंगे क्योंकि हम बहुत सारे ले रहे हैं तो हमें पता नहीं कि अब देखो एक सीओ यहाँ हुआ एक एन एच यहाँ हुआ एक एन एच यहाँ हुआ तो बहुत सारे हो सकते हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे चेन के थ्रू इस टाइप से बॉन्ड दिखा देंगे जैसे हम पॉलीमर्स में दिखाते हैं पॉलीमराइजेशन में। तो देखो यहां से हम क्या निकाल देंगे ओ एच निकाल के दिखा देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा ओ सी सी एच टू का होल फोर यहाँ से भी ओ एच दिखा देंगे निकला हुआ यहाँ क्या बचेगा एन एच यहाँ से सी एच टू का होल सिक्स और यहाँ पर भी जब हमारा यहाँ पे एन एच टू है तो यहाँ से एक एच दिखा देंगे तो इस टाइप से हमारा पोलिमराइजेशन होगा इसमें ओ सी सी एच टू का होल फोर सी ओ एन एच सी एच टू का होल सिक्स एन एच। बस ये जो दोनों ग्रुप थे ना इन्हें भी आगे चेन की तरह दिखा देंगे इन्हें भी यहाँ से ओ एच निकाल के और यहाँ से एच निकाल के ये किसी और किससे जुड़ा होगा ये किसी सीओ से जुड़ा हुआ होगा आगे ये किसी एन एच से ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा अमाइड ग्रुप से यानी कि, ठीक है। अब आता है सेकंड इसमें हमारा नाइलोन सिक्स इट्स मोनोमर इज कैप्रोलैक्टम इसका जो मोनोमर होता है वो कैप्रोलैक्टम होता है इट इज अ साइक्लिक एमाइड ये साइक्लिक एमाइड होता है ऑन इट्स हाइड्रोलाइसिस जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं इट विल गिव कैप्रोइक एसिड कैप्रोलैक्टम है जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा यानी कि एस्ट्रो मिलाया तो हमें क्या मिल गया कैप्रोइक एसिड विच ऑन कंडेंसेशन जब हमने फिर इसका कंडेंसेशन और पोलीमराइजेशन करा तो हमें नाइलोन सिक्स जब हमने कंडेंसेशन करा यानी कि जोड़ा पहले फिर उसके बाद कंडेंसेशन करा मतलब जोड़ा और एस्ट्रो बाहर निकाल दिया ठीक एंड पोलीमराइजेशन और फिर जब हमने इसका पोलीमराइजेशन किया तो हमें क्या मिल गया नाइलोन सिक्स मिल गया इट इज यूज इन मेकिंग अंडरगार्मेंट जिसका यूज भी इसमें करते हैं हम अंडरगार्मेंट्स में ठीक है यहाँ पर नोट करें इसके बाद हम इसका पोलीमराइजेशन देखते हैं। इसके बाद बच्चों देखो इसकी रिएक्शन कैसे होगी यानी कि इसका पोलीमराइजेशन किसका कैसे होगा क्या अभी हमने जो पढ़ा है इससे पहले ये क्या है नाइलोन सिक्स इसका पोलीमराइजेशन कैसे होगा देखो ये है हमारा कैप्रोलैक्टम ठीक है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इसका पहले हमने क्या करना था हमें इसका हाइड्रोलाइसिस करना था तो देखो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा इसमें हमारा कैप्रोइक एसिड मैंने आपको बताया था ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे क्या आगे जुड़ जाएगा सीओओ एच ठीक है तो ये बन गया हमारे यहाँ एक एच आगे जुड़ जाएगा एन एच टू तो एन एच टू सी एच टू का होल फाइव सीओओ एच ये बना हमारे इसमें कैप्रोइक एसिड ये बन गया। अब क्या करेंगे अब हम इसका क्या कर देंगे कंडेंसेशन करेंगे कंडेंसेशन कैसे करेंगे देखो एन एच टू सी एच टू का होल फाइव सीओओ एच प्लस इसके दो मॉलिक्यूल्स लेके कंडेंसेशन ऐसे तो होता है दो मॉलिक्यूल्स लिए उनका कंडेंसेशन कराया उसमें से कुछ हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं छोटे मॉलिक्यूल जैसे NH3 H2 वो क्या हो जाते हैं बाहर हो जाते हैं पहले कंडेंसेशन कराएंगे फिर पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन कराएंगे तो देखो क्या बनेगा इसमें NH2CH2 का होल 5COH NH2CH2 का होल 5COH हम क्या पढ़ रहे हैं पॉलीअमाइड तो अमाइड ग्रुप बन रहा है जाहिर सी बात है जब हम इसका कंडेंसेशन कराएंगे तो अमाइड ग्रुप बनेगा तो एक ओ एच इसका यहाँ से ओ एच दिखा देंगे एसिड पे से यहाँ से एच दिखा देंगे तो ये यूनिट क्या बनी CONH यानी कि अमाइड यूनिट बन गई। तो देखो NH2CH2 का होल 5 यहाँ क्या दिखा देंगे CONH CH2 का होल 5 COH H2S में से बाहर ठीक है। इसके बाद हम इसकी क्या करेंगे एन इकाई लेके हम इसका क्या करा देंगे पोलीमराइजेशन इसका ये जो हमारा माइंड बना इसकी एन यूनिट लेके पोलीमराइजेशन करा देंगे एन यूनिट ले ली पोलीमराइजेशन कराया पोलीमराइजेशन मैंने आपको बताया था सेम यहाँ से क्या दिखा देंगे जहां हमारा एसिड ग्रुप है वहां से OH हटता हुआ दिखा देंगे जहां हमारा NH2 ग्रुप है वहां से H हटता हुआ दिखा देंगे और चेन की तरह दिखा देंगे। देखो यहाँ NH रह गया यहाँ निकल गया यानी कि किसी उसके साथ
इसमें किसके साथ, इससे पहले कोई होगा COH एसिड ग्रुप होगा तो वहां से ये निकल गया इस टाइप से, क्योंकि पॉलीमर्स में बहुत सारी चेन होगी ना पॉलीमर्स की, तो हम पॉलीमराइजेशन में ऐसे तो शो करेंगे कि भाई देखो यहाँ पे जैसे NH2 है, इसने किसी CO के साथ वो बना लिया होगा बॉन्ड, तो देखो NH ने CO के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, CH2 का होल 5, यहाँ पर CONH ऐसी रहा, फिर CH2 का होल 5, यहाँ पर इस CO ने किसी NH ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लिया होगा, तो ऐसे इसका होल है, ये होगा इसका हमारा पॉलीमराइजेशन, बन गया हमारा 916। इसके बाद सेकंड आता है इसमें हमारा पॉलीएस्टर, यानी कि इसमें एस्टर बनेगा हमारा, क्या मोनोमर यूनिट या एक टाइप से इंटरमीडिएट जो हमारा एस्टर बनेगा, फिर उसका हम पॉलीमराइजेशन करा देंगे तो पॉलीएस्टर बन जाएगा। तो देखो इट्स मोनोमर यूनिट द पॉलीमर्स हैविंग एस्टर ग्रुप आर पॉलीएस्टर, वे पॉलीमर्स जिनकी मोनोमर यूनिट क्या होगी या पॉलीमर्स जिनमें एस्टर ग्रुप होगा उन्हें क्या बोलते हैं पॉलीएस्टर। जैसे इसका एग्जांपल है फर्स्ट टेरिलीन या डेक्रोन या फिर ग्लिप्टेन, इसके एग्जांपल है। इट्स मोनोमर पर इसका नाम है टेरिलीन का, इसको डेक्रोन भी बोल सकते हैं ग्लिप्टेन भी, ठीक है, इस टाइप से इसके नाम आ सकते हैं। इट्स मोनोमर यूनिट्स आर इथाइलीन ग्लाइकोल, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है इथाइलीन ग्लाइकोल एंड फैलिक एसिड, ठीक है, ऑन कंडेंसेशन ऑफ बोथ यूनिट, जब हम दोनों यूनिट्स का कंडेंसेशन कराएंगे तो वाटर हैज बीन रिमूव, वाटर क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा एंड एस्टर ग्रुप विल बी फॉर्म और एस्टर ग्रुप हमारा बन जाएगा। इट्स यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ, जिसका यूज हम किसमें करते हैं क्लोथ बनाने में, ठीक है, जो कपड़े होते हैं बनाने में। ये हो गया हमारा इथाइलीन ग्लाइकोल OH CH2 CH2 OH, ये हो गया इथाइलीन ग्लाइकोल, ये हो गया टेट्राफेथेलिक एसिड OH COO, ये रिंग हो गई COOH, ये हो गया हमारा टेट्राफेथेलिक एसिड, इसकी प्रेजेंस ले ली हमने, ठीक है, डाई एसिटेट जिंक की प्रेजेंस ले ली, तो CH3CO का होल्ड बाय ZN 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे क्या हुआ H2 निकला, देखो इसका एल्कोहल का H और एसिड का OH निकल गया यहाँ से, तो क्या बना हमारा देखो यहाँ से जो हमने H निकाल दिया यहाँ से OH तो OCO ये क्या बन गया हमारा यहाँ पे एस्टर ग्रुप बन गया। तो देखो ये एक बात मैंने बताई, जब हम इनका कंडेंसेशन कराएंगे तो एस्टर ग्रुप बनेगा और वाटर हमारा रिमूव हो जाएगा, H2 निकल गया बाहर, तो OH CH2 CH2 OCO ये रिंग ऐसी और COOH ये ऐसी, ये बन गया एस्टर, ठीक है। अब हम इसका क्या करा देंगे पॉलीमराइजेशन करा देंगे N यूनिट लेके, ठीक है, यहाँ तक नोट करें, इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखो उससे आगे बच्चों हम क्या करेंगे, हम टेरिलीन पढ़ रहे थे तो उसका वो बन गया था हमारा इंटरमीडिएट एस्टर बन गया था, पॉलीएस्टर में तो पढ़ रहे हैं हम, तो अब क्या करेंगे हम इसकी एन यूनिट लेकर या एन मॉलिक्यूल लेकर हम उसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे। देखो बच्चों ये चीज क्या है, ये समझ में आ रही होगी आपको, N-1H2O ये क्या लिखा हुआ है, यानी कि जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें से एक घटा देंगे, इतने H2 हमारे इसमें से बाहर निकलेंगे, N-1H2 इसमें से हमारे बाहर निकलेंगे जब हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है तो बाहर जरूर निकलेगा कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल। तो देखो N यूनिट ली NHO CH2 CH2 OCO ये बन गया था हमारा, ठीक है, एस्टर बन गया था, हम इसकी N यूनिट लेकर पॉलीमराइजेशन करा देंगे तो क्या बन जाएगा टेरिलीन, ठीक है। तो देखो मैंने आपको जैसे बताया था यहाँ क्या है, ये हमारा एल्कोहल है OH ग्रुप है, तो यहां से H दिखा देंगे और उधर से OH एसिड का OH और यहाँ का H, हमने जब इंटरमीडिएट बनाया तो ऐसे तो निकले थे, तो देखो यहाँ से अब क्या दिखा देंगे, यहाँ O दिखा देंगे, ये किसी CO से अटैच होगा CH2 OCO और यहाँ क्या हो जाएगा COO, यहाँ H नहीं O, ठीक है COO, ये बन गया इसका होल N, ये बन गया हमारा क्या टेरिलीन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें हमारा PHBB, ये होता है हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइड वैलेरेट, इसकी फुल फॉर्म होती है PHBB की। ये क्या होता है, इट वाज अ फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, वे पॉलीमर जो कि एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, यानी कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और आसानी से उसमें क्या हो जाते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इट कैन बी इजिली डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, इन्हें आसानी से हमारे बैक्टीरिया क्या करते हैं फिर डिकम्पोज कर देते हैं। इट्स मोनोमर आर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, इसका जो मोनोमर होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट एसिड, इसके मोनोमर यूनिट होती है। ऑन देयर कंडेंसेशन, जब इसका कंडेंसेशन करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल हैज बीन रिमूव एंड एस्टर विल फॉर्म, और एस्टर क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा इसमें एस्टर, जब हम इसको कंडेंसेशन करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकल जाएगा और एस्टर बन जाएगा। इट इज यूज्ड इन मेकिंग कवर्स ऑफ कैप्सूल, इसका यूज बच्चों हम जो कैप्सूल्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है उसमें उसको बनाने में हम इसका यूज करते हैं, किसका PHBB का, क्योंकि ये आसानी से क्या हो जाता है एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में। आपने देखा होगा हम कैप्सूल खाते हैं वो आसानी से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसकी जो ये जो इसकी कैप्सूल्स की जो कवरिंग होती है वो PHBB की बनी होती है जो कि डिसॉल्व हो जाती है आसानी से, ठीक है। तो देखो ये है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप है OH ग्रुप,
और क्या है ब्यूटेन हुई कैसे, चार कार्बन की चेन हो गई, एक दो तीन चार, चार कार्बन की चेन हुई तो ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। ये क्या हुआ हमारा बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, ये हो गया हमारा वैलेरिक एसिड। इसमें से क्या होगा कि जो हम इसका कंडेंसेशन कराएंगे तो एस टू हमारा बाहर हो जाएगा, ओ एच यहाँ से निकलेगा और एक एच यहाँ से निकल जाएगा, एस टू बाहर तो क्या बना ओ एच सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री सी एस टू सी ओ, यहाँ क्या बचा ओ ओ सी एच, इसके बाद सी एस सी टू एच फाइव सी एस टू सी ओ एच, ये बन गया क्या हमारा एस्टर बन गया। अब हम इसका क्या करा देंगे पॉलीमराइजेशन करा देंगे। तो देखो एन मोलिक्यूल लिए, ये हमारी यूनिट थी, इसका पॉलीमराइजेशन जो हमने किया एन यूनिट लेकर एन माइनस वन एच टू इसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो देखो ओ सिंगल, देखो ऐसी जैसे हमने यहाँ पर दिखाया था ना ऊपर, सेम उसमें टैली में बिल्कुल यही दिखाना है। जहां से हमारा यहाँ क्या होगा, जहां हमारा यहाँ से H निकला था तो H एस यहाँ से निकलता हुआ दिखा देंगे और एसिड का OH निकलता हुआ दिखा देंगे, तो हमारा एस्टर ग्रुप आसानी से मिल जाएगा। देखो इसका पॉलीमराइजेशन ऐसे तो होगा ओ चेन सी एच, तो बाकी यूनिट ऐसी रहेगी, यहाँ से क्या निकाल देंगे हम OH निकाल देंगे तो CO रह जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा क्या PHBB, इसका पॉलीमराइजेशन जो हमने किया। ठीक है, ये नोट करें बच्चों, हमारे दो मेन इंपॉर्टेंट इसमें दो और आते हैं पॉलीमर्स जिनकी पॉलीमराइजेशन पूछ ली जाती है। एक आता है इसमें हमारे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, एक आता है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, या फिर इसको बैकेलाइट या नोवेलोक बोलते हैं। ठीक है, अब इनका पॉलीमराइजेशन देखेंगे। इट्स मोनोमर्स आर यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड, इनकी जो मोनोमर यूनिट्स होती है वो यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड होती है। इट इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ दीज मोनोमर्स, ये इनका इन मोनोमर्स का क्या होता है कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। इट इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये जो होते हैं बच्चों ये क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं। अभी हमने क्या पढ़े सारे ज्यादातर लीनियर थे, लेकिन ये क्या होते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं। एंड इट इज वेरी हार्ड, क्रॉस लिंक है तो वेरी हार्ड होंगे। इट यूज इन मेकिंग स्विच एंड द पार्ट्स ऑफ टेलीफोन, इनका यूज स्विच के बनाने में किया जाता है और जो टेलीफोन का पार्ट होता है उन्हें बनाने में किसका यूज किया जाता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का। इसमें क्या होगा देखो, ये हो गया हमारा यूरिया एनएस टू सीओ एनएस टू, ये क्या हुआ हमारा फॉर्मेल्डिहाइड एससीएचओ। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे इसका जो H है इसके OH के पास ट्रांसफर कर देंगे और ये जो CH2 है ये इसके NH के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो NH2 CONH, यहाँ क्या बन गया हमारा CONH अमाइड ग्रुप बन गया, CONH फिर इसके बाद CH2OH बन गया। इसके बाद क्या किया हमने, ये जो यूनिट बनी इसके साथ दोबारा से यूरिया मिला दिया, इसमें ये जो यूनिट बनी NH2CONH CH2OH इसमें दोबारा से यूरिया मिला दिया NH2CONH2। उसमें क्या हुआ देखो, इसका OH और इसका H निकल गए बाहर H2O की फॉर्म में, माइनस H2O यहाँ दिखा सकते हैं आप। फिर इसके बाद देखो NH2CO NH CH2, यहाँ से OH निकल गया तो ये CH2 किसके साथ अटैच हुआ इस NH के साथ CH2NH, फिर इसके बाद CONH2। अब क्या करा ये जो यूनिट आई, ये जो यूनिट आई इसका पॉलीमराइजेशन करा दिया एन मोलिक्यूल लेकर। तो एन मोलिक्यूल एन एनएस टू सीओ एन एस सी एस टू एन एस सीओ एन एस टू, ये जो यूनिट थी इसके एन मोलिक्यूल लिए पॉलीमराइजेशन कराया एन माइनस वन एस टू बाहर निकल जाएंगे। तो देखो क्या बनेगा यहाँ से NH CO NH CH2 NH CO NH, यहाँ से भी क्या हो जाएगा NH दिखा देंगे इस टाइप से, जहां NH2 है वहां से NH दिखा देंगे किसी CO के साथ अटैच होगा। वहां पर भी देखो यहाँ पर भी NH जो है ये वाला जो है NH2 इस पे से एक H हटा के दिखा देंगे चेन में जोड़ के और फिर N मोलिक्यूल। ठीक है, इस टाइप से इसका पॉलीमराइजेशन हो गया। इसके बाद आता है हमारा बैकेलाइट जिसको नोवेल ओक बोलते हैं या फिर फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है फिनोल का और फॉर्मेल्डिहाइड का, यानी कि इसकी मोनोमर यूनिट हुई। इट मे बी लीनियर, ये लीनियर भी हो सकता है और क्रॉस लिंक भी। ये जो होता है नोवेल ओक या बैकेलाइट, ये लीनियर भी हो सकता है और क्रॉस लिंक भी हो सकता है। द लीनियर पॉलीमर इज रेफर्ड एज नोवेल ओक, अगर इसकी लीनियर फॉर्म है तो उसे क्या बोलेंगे नोवेल ओक बोलेंगे। एंड इट्स थ्री डी फॉर्म, अगर इसकी ब्रांच या क्रॉस लिंकिंग की फॉर्म है या थ्री डी फॉर्म है तो उसे क्या बोल देंगे बैकेलाइट, जिसका इस्तेमाल करते हैं इट इज यूज इन मेकिंग थ्रेड, इसका इस्तेमाल धागे बनाने में किया जाता है, किसका बैकेलाइट का। ठीक है, अब हम इसका पॉलीमराइजेशन देखेंगे, यहाँ तक नोट करें। अब इसके बाद बच्चों बैकेलाइट का हम पॉलीमराइजेशन देखते हैं। तो एक इसकी मोनोमर यूनिट था फिनोल की और फॉर्मेल्डिहाइड, ये हमारा फिनोल हुआ ये फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें क्या होगा देखो, ये जिसका ओ है यहाँ पर हमारा ऑर्थो पे से क्या होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे सब इनकी जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है यहाँ सब जगह कार्बन होता है, सिक्स कार्बन की स्ट्रक्चर होती है उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा इसके ओ के साथ चला जाएगा जिससे क्या बन जाएगा सी एस टू ओ एच, ये सी एस टू ओ एच और ये फिनोल ऐसे रहेगा। तो इसके दो क्या बनेंगे, ये इसके दो आइसोमर बन जाएंगे, एक तो ऑर्थो और एक पैरा आइसोमर। ठीक है, तो अगर हम इसका ऑर्थो आइसोमर लेते हैं, इसका अगर हम ऑर्थो आइसोमर लेंगे तो देखो
फिनोल लिया, इसका ऑर्थो आइसोमर लिया, इसका एक और एच यहाँ से निकल गया, एच2 निकल गया, तो क्या बना, ये सी एस टू इसके इस आके अटैच हो गया, देखो ओ एच ये सी रहा, ये सी एस टू इससे लिंक हो गया जब हमारा हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो ये इंटरमीडिएट ये बन गया। अगर हम क्या करें, फिनोल का एन यूनिट लेकर, एन यूनिट फिनोल की लेकर, एन यूनिट इसके लिए फॉर्मेल्डिहाइड की, जब हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा जो हमारा इंटरमीडिएट बना है, यही तो मिलेगा, इसके एन मोलिक्यूल मिल जाएंगे। अगर हम इन दोनों के एन मोलिक्यूल लेंगे, किसके, फिनोल के और इसके फॉर्मेल्डिहाइड के, ठीक, तो ये बन गया हमारा, जिसे क्या बोलते हैं हमने, नोवल ओक बोल दिया, ठीक है, ये तो बताया था अगर लीनियर पॉलीमर से लीनियर पॉलीमर वो हो रहे हैं तो क्या बनेगा, नोवल ओक बनेगा। और देखो अगर हम क्या करें, जो हमारे ये है क्या है ये वाला, इसकी भी देखो ये हमारा नोवल ओक बन गया। अब क्या करा हमने, अगर इसका पैरा आइसोमर लेके हम कराएंगे तो क्या होगा, ये पैरा आइसोमर इसके इस वाले मोलिक्यूल से दो मोलिक्यूल्स ले लिए, मान लो हमने इसके दो मोलिक्यूल्स ले लिए जो हमारा नोवल ओक बना, तो इसकी क्या होगा, इसके इस तरह के अटैच हो जाएंगे CH2 इसके ऑर्थो से आके अटैच हो जाएंगे, इससे ये जो नोवल ओक है इसके जब हम दो मॉलिक्यूल लेंगे तो CH2 इसके आके अटैच हो जाएंगे, ये CH2OH यहाँ से OH निकल जाएगा इसके हाइड्रोजन के साथ, तो ये आके किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, इस टाइप से हमारा अगर हम पैराइसोमर लेते हैं तो इससे बनेगा हमारा बैकेलाइट, यानी कि क्रॉस लिंकिंग, अगर क्रॉस लिंकिंग प्रोडक्ट बन जाएगा जिससे क्या बोल देंगे हम बैकेलाइट। ये इसका पॉलीमराइजेशन था, यहाँ तक नोट करें, नहीं आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हिंदी या इंग्लिश में वो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, उनकी जो प्राइस होगी वो 98 रुपीज होगी फुल कोर्स की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।